राजनीति में बुराइयां बहुत आ गई, नैतिक पतन हो गया, आचरण खत्म हो गया, पार्टी के प्रति वफादारी खत्म हो गई, विचारधारा खत्म हो रही है, और किसी भी पार्टी का आए, किसी भी पार्टी में घुस जाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए, एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए। मैंने तो ये देखा है कि आज की राजनीति कॉमर्शलाइज्ड हो गई है, उद्योग हो गई है। जो राजनीति पावन जनसेवा का पवित्र कार्य थी, वो जनसेवा से भटककर खुद की सेवा कैसे हो, मैं पैसे वाला कैसे बनूं, मेरा रिश्तेदार भाई नातेदार कैसे पैसे वाले बने, मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं, इस भ्रष्टाचार में राजनीति इस दलदल में घुसी हुई है। उस राजनीति से, उस दलदल और भ्रष्टाचार भरी अनैतिक आचरण वाली राजनीति से, जब तक राजनीति की गंदगी नहीं हटेगी। आपको पता है एक बार देश में रेल दुर्घटना हो गई थी, लाल बहादुर शास्त्री देश के रेल मंत्री थे, उन्होंने तनक भी सोचे विचारे कर पद की परवाह न करते हुए ये कहा कि मेरी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं सही ढंग से रेल का विभाग मैं संभाल नहीं सका, कार्रवाई नहीं कर सका, इसलिए एक्सीडेंट होकर मेरे कई देशवासी मौत के मुंह में समा गए। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं रेल मंत्री के पद से इस्तीफा देता हूं। ऐसी स्वच्छ और हाई मोरल वाली राजनीति की आवश्यकता है। मेरे को भरोसा है गुरुदेव।